कटिहार में उस समय कोहराम मच गया जब इश्क में पागल प्रेमी जोड़े ने अपने अपने घरों में फंदे से लटक कर जान दे दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र के बोलिया इलाके का है। बताया जाता है कि मृतक महिला की शादी 3 साल पहले स्थानीय युवक से हुई थी। शादी के बाद से वे अपनी शादी से खुश नहीं थी क्योंकि गांव के अन्य युवक के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इधर शादी के बाद से मृतका का पति रोजगार करने दिल्ली चला गया। पति की अनुपस्थिति में दोनों की मोहब्बत और परवान चढ़ गई और दोनों चोरी चोरी चुपके चुपके मिलते रहे। बीते रात दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हुई और दोनों गुस्से में अपने अपने घरों में चले गए। सुबह फंदे से झूलती दोनों की लाश बरामद हुई। एक इंदल कुमार और एक सुषमा कुमारी, ये दोनों में गुप्त रूप से पता लगता है कि दोनों में प्रेम प्रसन्न था और दोनों फांस लगा के मर गया है। और पुलिस आई है, आगे की कार्रवाई पुलिस करेंगे, जांच पड़ताल। ये सुषमा कुमारी को बच्चे भी थे क्या? हाँ, एक वो बच्चा है 1.5 साल का। वो किनका लड़का जो मरा? वो कोई राम जी है वहाँ मुजबर के, उन्हीं का औलाद है। में दो घटना घटी है, एक लड़का एक लड़की। सूत्र से पता लगता है कि दोनों में प्रेम प्रसन्न है और दोनों एक ही समय फांस लगा के मर गए। महिला शादीशुदा है और उसके साथ एक बच्चा भी है 1.5 साल का। कितने दिन से प्रेम प्रसन्न चल रहा था? ये तो खुल के पता नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से होगा। क्या इस मामले में जैसा पता चला ग्रामीणों तो ग्रामीण के द्वारा पता चला और पुलिस भी आई है और पुलिस दोनों का जांच करके UDA केस किया है। इससे पहले पंचायती भी बता? नहीं, इसके पहले कोई पंचायती वगैरह नहीं है। लड़का का क्या नाम है? इंदल कुमार। किनका लड़का? वो भी महेश मंडल का। लड़की किसकी है? लड़की सोतीश रविदास की है, लड़की का नाम सुषमा देवी है। क्या पुलिस के द्वारा? पुलिस के द्वारा आया गया, वो दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आगे की कार्रवाई पुलिस जो करे जांच पड़ताल करके। हम बोलिया सरपंच। दोनों जो है फांसी लगा के आत्महत्या करने का मामला प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है और संभवतः दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होने की बात बताई जा रही है, लेकिन ये बात हम जांच के बाद ही बता पाएंगे। हाँ, दोनों सब को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और मौके पर पहुंची मनिहारी थाना अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया है। पंजाब केसरी TV के लिए कटिहार से राजीव की रिपोर्ट।